इतनी देर कर दी कालू जी, कहाँ चले गए थे सुंदरी को लेकर? अरे कहीं नहीं, हम सब घूमने गए थे। अच्छा सुंदरी, कुछ फल है तुम खा लो, तुम्हारे भाई ने खा लिया है। नहीं मम्मा, मेरा तो फल खाने का दिल नहीं कर रहा। सुंदरी ऐसा कहते हुए अपने पापा की तरफ देख रही थी। पापा के साथ गई थी ना, कुछ खाकर पेट भरा हुआ होगा, चलो सुबह खा लेना। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी की बेटी तो बहुत कमजोर हो गई थी, वह तो जरा भी भोजन ना खाती। सुंदरी बस तुम थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ तो फिर सब खा लिया करना। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, जो किसी को कुछ बताया भी नहीं कि मैंने तुमसे कुछ कहा है कि कुछ खाने से तुम्हारे पंख सूख जाएंगे। मैं अपने पापा की राज की बात भला कैसे किसी को बता सकती हूँ? मेरे पापा मेरे लिए ही तो अच्छा सोचते हैं। वो छोटी मासूम कौवी भला क्या जानती थी कि उसका पापा उसे मारना चाहता है। गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भी कहीं से भोजन लेकर आ जाते हैं। कालू जी, हमारी सुंदरी तो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। मैं किसी वैद्य जी के पास लेकर जाती हूँ, और जग्गू बेटा तुम घर का ध्यान रखना। वैद्य जी के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी, अच्छा वाला तो खाती है। सुंदरी कल पापा से आम लेकर खा रही थी ना। सुंदरी झूठ बोलते हुए अपने मम्मा के पास जाती है। हाँ हाँ मम्मा, मैंने आम खा लिए थे, मुझे वैद्य जी के पास ना लेके जाओ। तुम चलो मेरे साथ, ऐसे तो तुम मर जाओगी, तुम बहुत कमजोर होती जा रही हो। आखिरकार कौवी सुंदरी को साथ ले जाती है, बस सीधे बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल दीदी, मेरी बेटी तो बहुत कमज़ोर होती जा रही है, इसे कोई ऐसा दवा दे दें जिससे ये ठीक हो जाए। मुझे इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इनके दिल में कोई खौफ बैठा हुआ है, जिस कारण ये कुछ खाती नहीं है और ऐसी हो गई है। आप ये दवा ले जाएं, इससे भूख ज़्यादा लगेगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा करता हूँ मैं, सुंदरी के दवा में जहर मिला देता हूँ, इसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जान भी छूट जाएगी इस बेटी से। ऐसे कालू कौवा जहरीले पत्ते साथ ले जाता है। गोरी भी दवा लेकर आ गई थी। कालू जी, मुझे तो पानी पीने जाना है, मैं आकर दवा दूंगी सुंदरी को। बुलबुल दीदी बोल रही थी कि इस दवा को खाने से हमारी सुंदरी ठीक हो जाएगी। पानी तो मुझे भी पीना है, चलो हम दोनों ही चलते हैं। फिर वो दोनों पानी पीने चले जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं, उनका बेटा जग्गू वो जहरीले पत्ते उठाकर खा लेता है और वो तो मर जाता है। भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, क्या खा लिया आपने? भैया आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया गोरी और कालू कौवे जैसे ही वापस आते हैं, वो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर रोने लग जाते हैं। मेरी दवा के पास कुछ पत्ते पड़े थे, वो भाई ने खा लिया है और देखो ना कुछ बोल ही नहीं रहा है। कालू तो खामोश था और रोए जा रहा था। कालू जी ये क्या हो गया, मेरा जग्गू कैसे मर गया? कालू कौवा अपनी बेटी सुंदरी कौवी को अपने सीने से लगा लेता है। सुंदरी आज के बाद से तुम सब कुछ खा लेना। पापा फिर मेरे पंख तो नहीं सूखेंगे ना? नहीं बेटी, नहीं सूखेंगे। गोरी कौवी रो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सुंदरी ऐसा क्यों कह रही है। ऐसे उसे कौवे को पता चल जाता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जिसने ऊपर वाला बचना होगा उसे कोई मार नहीं सकता। कालू, जब से तुमसे शादी हुई है कभी मुझे कोई खुशी नहीं दी। तुमने वही टूटा हुआ घोंसला, वही सूखे दाने, कोई फल फ्रूट, कोई अच्छा खाना नहीं लाकर दिया। हर समय यहाँ लेटे रहते हो। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरी माँ ने तुमसे मेरी शादी करवा दी। तब तो तुम बहुत स्मार्ट बन रहे थे। ये कपास का बना हुआ नरम नरम घोंसला है, मैं बहुत काम करता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था। लेकिन तुम सिर्फ कालू ही हो, न कट्टू कहीं का। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। बेटी हो या बेटा, हमें बेटियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बेटा बेटी दोनों समान ही होते हैं।